मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की आने वाले दिनों में एक नहीं कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। इसी लिस्ट में अब रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स सिंगम का तीसरा सिक्वल भी शामिल हो गया है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शेट्टी जल्द ही सिंगम 3 पर काम करना शुरू करने वाले हैं। रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स की शुरुआत सिंघम के साथ शुरू की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। इसके बाद रोहित की अगली फिल्म सिम्बा थी, जिसमें रणबीर सिंह अहम रोल में नजर आए हैं। अब उनकी कॉप यूनिवर्स की तीसरी फिल्म सूर्यवंशी है, जिसमें अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं। बताते चले कि फिल्म सिनेमा हॉल में काफी समय पहले रिलीज हो गई होती, मगर कोरोना काल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म जैकी श्रॉफ इसमें सबसे खतरनाक खलनायक के रोल में होंगे। फिल्म में नजर आने वाली सभी आतंकवादी गतिविधियां उन्हीं के दिमाग की उपज होगी। ऐसे में फिल्म की कहानी में अजय, अक्षय और रणवीर मिलकर जैकी के किरदार को नहीं मार पाएंगे। फिल्म सूर्यवंशी के अंत में अक्षय कुमार इस केस को अजय देवगन के लिए ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ रोहित निर्माण करेंगे अपनी अगली फिल्म सिंघम 3 का। सिंघम 3 के लिए रोहित शेट्टी ने खास प्लानिंग की है, जिसके बारे में जानकारी आने वाले समय में पता चल जाएगी। वैसे आप लोग अजय की सिंघम 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।